संविधान को खत्म करना चाहते हैं लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को छोड़ा जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि विश्व में कोई नहीं बोलता हो लेकिन मोदी जी की कौन सी गारंटी आज तक पूरी हुई है लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण का रण क्या कहता है क्या कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है क्या कांग्रेस का आरक्षण वाला प्लान आज इसी पर मध्य प्रदेश की महा डिबेट में चर्चा करेंगे मुस्लिम आरक्षण में कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार जारी है बीजेपी इसे कांग्रेस का वोट बैंक वाला दाव बता रही है तो कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है महा डिबेट के सवाल आज क्या रहेंगे उन सवालों पर एक बार नजर डाल लेते हैं पहला सवाल रहेगा मुसलमानों से प्यार क्या ओबीसी के हक पर क्यों नहीं है बात चुनाव की लड़ाई क्यों कांग्रेस आरक्षण पर लेकर आई तीसरा सवाल रहेगा मुद्दों से दूर आरक्षण पर क्यों सियासत भरती तो डिबेट आज की इन्हीं तीन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी और हमारे साथ खास मैमान जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं अजय सिंह यादव जी हमारे साथ एमपी उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष हैं काजी अनस अली नदवी वो भी जुड़ चुके हैं और साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरौलिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है अभिनव जी बात मुद्दों की हो रही थी आ, क्योंकि देश का चुनाव है ये लेकिन अब आरक्षण को लेकर जिस तरह से आप बीजेपी पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है क्या ये पूरी लड़ाई आरक्षण के इर्द गिर्द हो गई अब देखिए अपर्णा जी आज मुझे ऐसा लगता है आपने थोड़ी पार्शलिटी करी है आपने सबके बयान दिखाए लेकिन आपने ज्योति मिर्धा का बयान नहीं दिखाया जिन्होंने आरक्षण और संविधान बदलने की बात करी कि हमें 400 सीट आएंगी तो हम बदल देंगे अनंत हेगड़े का बयान नहीं दिखाया और आज रिसेंटली दिया दिया कुमारी राजस्थान से जो नेता हैं उनका बयान भी आपने नहीं दिखाया कि किस तरीके से उनने बोला है कि हमें हम सीटें चाहते हैं कि हम संविधान बदल दें तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि संविधान बदलने की और आरक्षण बदल खत्म करने की बात भाजपा के लोग कर रहे हैं यहां ऐसी कोई बात नहीं है हिंदू मुस्लिम की बात इसलिए कर रहे हैं अब क्योंकि तीन चरणों के चुनाव के बाद आज मोदी जी जिस तरीके से अपनी भाषा एक देश के प्रधानमंत्री है और अपनी भाषा जिस तरीके से वो दिन ब दिन खराब करते जा रहे हैं और कोसते जा रहे हैं कांग्रेस को उससे अब कुछ होने वाला नहीं है जनता ने अपना मन बन बना लिया है जिस तरीके से पूरे तरीके से आरक्षण को खत्म करने की बात इनके नेता करते हैं उस पर अपनी चुप्पी बांधे रखते हैं नरेंद्र मोदी जी लेकिन अब जनता ने पूरे तरीके से समझ लिया है कि एस हो चाहे ओ हो चाहे एस हो चाहे ये सब जानते हैं कि आरक्षण खत्म करने की बात कौन कर रहा है तभी जनता का रुझान मोदी जी को समझ में आ गया है तभी अनाप शनाप कभी इधर की बात करते हैं कभी उधर करते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं कहीं पर भी चले जाते हैं उनके भाषण सुनिए आज जिस तरीके से धार में उन्होंने भाषण दिया है वो भी बया करता है कि उनके भाषण में अब कोई सार नहीं बचा है तो जनता अपना मूड बना चुकी है जनता को एक सशक्त नेतृत्व तो चाहिए है जो इंडिया गठबंधन में दिख रहा है उसको हमारा न्यायपत्र हमारा जो मैनिफेस्टो uh, है वो जनता के बीच में पहुंच चुका है जनता बेरोजगारी पर बात कर रही है जनता महंगाई पर बात कर रही है जनता संविधान बचाने की बात कर रही है एस वर्ग हो चाहे एस वर्ग हो चारों तरफ

समझ आती होगी कि हम सारे बयानों को शामिल नहीं कर सकते लेकिन जो आपने ऑब्जेक्शन उठाया उसको ध्यान रखूंगी ये मैं अगली बार लेकिन अजय सिंह यादव जी नेता नीति नियत नहीं है कांग्रेस के पास ये कहकर आप लोग आरोप लगाते रहते हैं वो कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ हमारे पास है इसलिए अब आपकी जमीन खिसक रही है और बौखलाहट में आप हिंदू मुसलमान करने पर उतारू हो गए हैं देखिए अपर्णा जी संविधान से ही मैं बात शुरू करता हूँ संविधान की मूल भावना कहती है कि देश में आरक्षण कभी भी धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता है और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जाए आज लालू प्रसाद यादव जी जो इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि देश में मुस्लिम गठबंधन होना चाहिए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार न्यायालय तक में गई है चार परसेंट आरक्षण देने के लिए तो ये पिछड़े वर्गों का आरक्षण छीनकर अपनी तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं और कांग्रेस के नेताओं का ये कौन सा रवैया है स्वयं कहते हैं और स्वयं अपनी बात को स्वीकार करने से पीछे हट जाते हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि देश में एस सी एस सी का आरक्षण कोई नहीं हटा सकता है भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कांग्रेस ने कब माना बाबा साहब को चुनाव हरवाया चालीस साल तक भारत रत्न तक नहीं दिया जब बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला नहीं तो पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी तो स्वयं ही भारत रत्न ले, ले लेते थे खुद को तो कांग्रेस पार्टी का ये दोहरा रवैया अब देश की जनता समझ गई है और जिस तरह से विरासत के टैक्स की बात है ये सैम पित्रोदा जी कहते हैं जो कि राजीव गांधी से राहुल गांधी तक के सलाहकार रहे हैं तो कांग्रेस अपनी कही हुई दो बातों दो से अपने अपनी कही हुई बातों से भटकती है दूसरी तरफ मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है तो कांग्रेस पार्टी निर्णय कर ले कि झूठ बोलने के लिए एक जैसी भाषा बोलें अलग अलग नेता अलग अलग प्रवक्ता अलग अलग झूठ बोलते हैं तो देश में कंफ्यूजन होता है लेकिन जनता पूरी तरह समझ चुकी है कांग्रेस की के झूठ में आपका खुल आंसर है। फिर मैं आगे मेहमानों के पास बढ़ रही हूं छोटी सी बात बोलूंगा मध्यप्रदेश में यही सरकार जो बोल रही है ये मुस्लिम आरक्षण देती है पूछिए इनको पता नहीं होगा शायद बिल्कुल नहीं देती है बीस साल देखिए अंदर देखिए उसमें, उसमें सस... देती उसमें है ये। जो उनके संपन्न वर्ग है चाहे सैयद हो इन वर्गो तो को आप दे रहे हैं आप दे रहे आप दे रहे हैं आप दे रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है इस मामले में ओबीसी कि का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता कोई नहीं छीन सकता भी भी कितना नरेंद्र मोदी और भाजपा है आरक्षण की वकालत एक वर्ग कर रहा है दूसरा वर्ग कह रहा है कि ऐसे में तो आप ओबीसी के हक में डाका मार रहे हैं जरा आप बताइए आरक्षण की बात मुसलमानों के हक में है नहीं है क्या है इसको मुस्लिम समाज किस तरह से देख रहा है इन तमाम आरोपों के बीच बिबिल रहीम देखिए मुसलमानों के आरक्षण की बात है तो संविधान में सोलह चार जो है वो अनुच्छेद है और मुसलमानों के आरक्षण को बराबरी का हिस्सा देना चाहिए बिल्कुल ये होना मगर मेरा सिर्फ इतना सा ये कहना है कि जो सरकार अभी जो राजनीतिक बड़े दल मौजूद हैं इस वक्त जो चुनाव में सक्रिय हैं उन दोनों दलों में अभी पिछले कुछ टाइम से एक राजनीतिक पार्टी आ, राज कर रही है उससे पहले दूसरी राजनीतिक पार्टी ने राज किया तो क्या वजह है जो अभी तक मुसलमानों को इतना पीछे रखा गया मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूँ जो कम्यूनिटी का एक में नुमाइंदा होने की हैसियत से बात कर रहा हूं मुझे तो ये लग रहा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें होड़ लगी हुई है मुकाबला आ रही हो रही है कि किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को पीछे धकेला जाए कितना किस तरीके से मुसलमानों के रिज़र्वेशन को ख़त्म किया जाए और मुसलमानों की अगर बात की जाए अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ चुनावी माहौल है जब पूछा जाता है एक राजनीतिक दल के ज़िम्मेदार से कि आप मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते तो वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान है इसमें मुसलमान को टिकट देने वाली क्या बात है जो भी चुनकर आएगा जो जिसमें सलाहियत काबिलियत होगी अरे भाई जब आप उसको इतना काबिल बनाएंगे उसकी नुमाइंदगी आप रखेंगे उसकी नुमाइंदगी कोई मुस्लिम कम्युनिटी से करेगा जब मुसलमानों की नुमाइंदगी होगी तब तो आपको बात पता चलेगी वरना मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ नारे हैं जुमलेबाजियाँ हैं कि आप किसका विकास हो रहा है और किसका आपने विश्वास हासिल किया है कहीं आप जाकर ये कहते हैं मुसलमानों की जरूरत है मुसलमान इस मुल्क की आत्मा है रूह है और कहीं उसके बाद में मुसलमानों को इतने पीछे धकेल दिया जाता है एक बड़ी आबादी एक दूसरी बड़ी आबादी इस मुल्क की जो आज परेशान है उसकी लीडरशिप बिल्ड बिल्डअप नहीं होने की वजह से उसकी नहीं होने की वजह से आज वो परेशान है वो किसी के भी कंधे की मोहताज बनी हुई है कि मुझे कोई कंधा मिले मैं बेसहारा हूँ और मुझे कोई सहारा देने की कोशिश करे और हर एक राजनीतिक दल आ रहा है और उसको सहारा दे रहा है सहारा देने के नाम पर उसको और सिर्फ उन्हें फोन इस्तेमाल हो जाता है यानी कि आप ये कह रहे हैं डॉक्टर शर्मा शूर बेदार नहीं शूर बेदार नहीं है शूर बेदार नहीं है सियासी तमीज जो है मुसलमानों का इस वक्त जो है बिल्कुल नहीं है और मुसलमानों की आयादत इस वक्त अगर जो बुलंद होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है उसके लिए भी कोशिश हम ही को करना है हम ही कसूरवार है सत्य प्रकाश शर्मा जी, जी। मुसलमानों <laughs> को सिर्फ वोट की तरह एक वोटिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है अब तक देखिए अपर्णा जी इस समय देश की राजनीति में ओबीसी पर सबसे ज्यादा डिबेटेबल इशू बन गया है इसके पीछे कारण देखिए अराउंड 42 पूरे देश में इस जाति के लोग ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं लेकिन ये एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक नहीं है क्योंकि कास्ट बेस्ड सेंसस ओपन ही नहीं हुआ अभी तक तो ये कहा नहीं जा सकता ये केवल एक्सपेक्टेशन है या कुछ सर्वेज है उनके आधार पर यह माना जाता है देखिए नरेंद्र मोदी जी ने आज जो कांग्रेस पर अटैक किया है कहीं न कहीं एक तीर से दो निशाने साधे उन्होंने एक तो उन्होंने ओबीसी कम्युनिटी को अपनी तरफ खींचने का बड़ा प्रयास किया है मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर दूसरा उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का मेन या लीड इशू है या लीड एजेंडा है जिसमें हिंदुत्व है यानी हिंदुत्व पर अपनी जबरदस्त दोबारा पकड़ जिसके आधार पर उन्नीस से केवल दो सीट से शुरू होने वाली पार्टी आज थ्री थ्री पर पहुंच गई है ऐसे में उस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रहार अपोजिशन पार्टी पर उन्होंने किया है

आरक्षण नहीं दिया है लेकिन हाईकोर्ट में पीईबी के आरक्षण को सही बताया पहले आपको हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो बताते हैं हाँ ने क्या टिप्पणी की है याचिकाकर्ताओं का क्या कहना था वो भी आप समझ लीजिए दावा था कि थार्ट हाँ ने कहा है कि ईडब्ल्यूसी वीकर सेक्शन आरक्षण पूरी वैकेंसी पर लागू नहीं होगा यानी कि जो पूरी वैकेंसी निकली है उस पर लागू नहीं होगा किसी भी वैकेंसी में अनारक्षित यानी कि जो अनिजर्व होते हैं अनारक्षित पदों पर आरक्षण होगा अनारक्षित में 10 प्रतिशत पद ईडब्ल्यू के लिए आरक्षित रहेंगे जो आर... भर्ती की कुल सीटों पर 10 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिले नहीं मिलेगा आप बताते हैं कि देखिए इसे समझाने की कोशिश करते हैं आपको आसान तरीके से पीईबी भर्ती परीक्षा में कुल पद हैं 219, उसमें ओबीसी 122, एससी के लिए छियालीस एससी के लिए 13 आरक्षित पद हुए 181 38 पद है अनारक्षित यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत यानी कि यह या आंकड़ा कितना बनता है चार पद चार पदों पर यह आरक्षण लागू होगा तो ये जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला है जो हमने आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की याचिकाकर्ता ने क्या कहा था वो भी आपको बता देते हैं याचिकाकर्ता का जो दावा था इस पूरे मामले को लेकर वो क्या था पीईबी e. ने लैब टेक्नीशियन के 219 पदों पर भर्ती की याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में यह बात कही है 219 पदों पर रिक्रूटमेंट की बात गई e. की गई पीईबी की ओर से लैब टेक्नीशियन के पद थे इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग याचिकाकर्ताओं ने की थी यानी कि कुल पदों पर आरक्षण की मांग की थी याचिकाकर्ताओं ने आरक्षण के तहत बाईस पद आरक्षित होने चाहिए थे लेकिन चार लोगों को ईडब्ल्यू कोटे के तहत नियुक्ति दी गई तो इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता और जो विधि विशेषज्ञ है रामेश्वर पी सिंह उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं ओबीसी एस सी एस टी को ईडब्ल्यू एस रिजर्वेशन के बेनिफिट से एक्सक्लूड किया गया है या वंचित किया गया है तो इसका जो सीटों का निर्धारण है ये हंड्रेड परसेंट में से ना हो करके और ये केवल अनारक्षित सीटों में से ही सीटें दस परसेंट एलोकेट होंगी एग्जाम्पल जैसे मध्य प्रदेश में सोलह परसेंट एस के लिए है बीस परसेंट एस के लिए है और सत्ताईस परसेंट ओ के लिए है ये तीनों सोशल रिजर्वेशन है और इसका कुल प्रतिशत होता है सिक्सटी थ्री परसेंट जो रिमेनिंग बचता है थर्टी सेवन परसेंट ये अनारक्षित है माने यू आर ओपन टू ऑल इस अनारक्षित सीटों में से 10 परसेंट यानी कि 37 परसेंट का 3.7 होता है लगभग चार सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एलोकेट होंगी स्पेसिफिक से हाईकोर्ट द्वारा अपने फैसले में निर्धारित किया गया है सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शर्मा मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ इस पूरे फैसले को लेकर देखिए अपर्णा जी इस फैसले में ना तो एस का रिजर्वेशन कम हुआ ना एस का हुआ हालांकि इन दोनों कम्युनिटी का तो किया ही नहीं जा सकता ओबीसी का भी जो जिक्र इस समय चल रहा है उसमें से भी एक परसेंट भी कम नहीं किया लेकिन इसमें बड़ा आघात अगर किसी पर है तो वो कहीं ना कहीं अनरिजर्व पर है यानी कि जो दस परसेंट ईडब्ल्यू को रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो उस दस... कि जो सामान्य वाला है वो तो यहां पे पिसेगा इसका मतलब तो सामान्य मु, मुख्य रूप से जो अगर एफेक्टेड हो रहे हैं

ये एक बड़ा पॉइंट नोटिसेबल रहा है पिछले कुछ चुनाव के रिजल्ट में अजय सिंह यादव जी जी शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके बाद आगे आ, एक, एक चीज बहुत मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसने 21 में अप्रैल 21 में एक हलफनामा दिया था यह रिजर्व ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में उसमें उसने कास सेंसस को प्रस्तुत किया था ट्वेंटी इलेवन देश का पहला राज्य है तब से उसने कहा था कि मध्य प्रदेश में मोर देन 51 परसेंट ओबीसी पॉपुलेशन है उस समय से ओबीसी बैंक पर है चीज और ज्यादा और ज्यादा गहरी हो गई है जैसे ओबीसी से कांग्रेस भारतीय आपने पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास की नीति पे काम करती है और सामान्य वर्ग के भी पिछड़े हुए आर्थिक रूप से जो वर्ग हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ही दस परसेंट आरक्षण लाई थी जो कि देश में सभी राज्यों में लागू हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्गों को केवल धोखा दिया है मैं राजनीतिक धोखे की बात करूँ पचास सालों में कांग्रेस की सरकारों में कभी ओबीसी का मुख्यमंत्री प्रदेश में नहीं बना दूसरी बात दूसरी बात मध्य प्रदेश में 20 सालों में अरे कांग्रेस ने क्यों नहीं करी 50 सालों में हिंदी देखिए देखिए अपनना जी तरह हिंदी इस तरह की, की चर्चा नहीं होती अपने समय पर बोलेंगे दूसरी बात जब मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग आरक्षण लागू करने की बात हुई तो कांग्रेस पार्टी ने न्यायालय में केवल 27 जिले क्यों नहीं करा रहे हैं

क्यों नहीं आपने सत्ताईस आरक्षण केवल सत्ताईस आबादी आपने लिखी इसलिए वो आरक्षण कोर्ट में नहीं हो पाया आपने सत्ताईस फीसदी आबादी लिख के दू न्यायालय में न्यायालय में सत्ताईस फीसदी आबादी दिया देश में धोखा दिया वो पिछले वर्ग की पीठ में खंजर होता है कांग्रेस में कांग्रेस ने खंजर मोका राजनीतिक रूप से आज तक धोखा दे रहा है किसने काम किया है वो जनता तय कर रही है जनता वोट देने पहुंच ही रही है बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए हालांकि आखिर के वक्त में हम नहीं बात को समझ पाए क्योंकि ओवरलैप गेस्ट आपस में दूसरे को करते रहते हैं लेकिन बात यहां पर ये है कि देखिए चाहे आरक्षण का मुद्दा हो चाहे विकास की बात हो जनता जनार्दन है सब कुछ देख रही है समझ रही है तय कर रही है हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप जो भी समझ पाए हो डिसाइड कर पाए हो वोट देने जरूर जाए खबरें लगातार जारी हैं है, न्यूज एटीन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ